So, next topic we want to learn the entropy change for an ideal gas. आइडल गैस का एंट्रोपी चेंज हम सीखने जा रहे हैं. सो एंट्रोपी चेंज आइडल गैसेस के केसेस में कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है. इस पे पूछता है गेट का क्वेश्चन इस कंसेप्ट के द्वारा, शायद ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. सो हम क्या लेने जा रहे हैं, पहले हमारे पास है TdS इक्वल टू TU प्लस PdV. TdS is equal to DU plus PdV. So DS will become DU plus T plus P upon TdV. So हम जानते हैं DU is equal to कितना हो जाएगा. बस मैं बोलेंगे तब So, हम जानते हैं कि TU will become CV DT and PV is equal to कितना होता है RT. PV is equal to RT. So, इन दोनों इक्वेशन को इसमें जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, TS will become CV DT upon T plus इस इक्वेशन से कितना आ जाएगा, P by T is equal to V upon R DV. V upon P upon T is equal to कितना आ जाएगा, P upon T is equal to R upon V होगा, उल्टा होगा R upon V. इससे क्या हो जाएगा, P upon T will become R upon V dV. अब अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को, ds कहां से कहां तक, प्रोसेस 1 से 2 तक, तो ये जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, अगर 1 लिखते हैं तो इसको एंट्रोपी s1 कर देते हैं, ये s1 से s2 तक इंटीग्रेट होगा, ये हो जाएगा cv dt upon t, कहां से कहां तक, t1 से t2 plus r dv upon v, v1 से v2. ये एक प्रोसेस अकर हो रहा है जो प्रोसेस 1 से 2 तक गया है फॉर आइडल गैस. तो ये आ जाएगा कितना, s2 minus s1 is equal to cv ln t2 upon t1 plus r ln v2 upon v1. So this is the final change in entropy for change in entropy. अगर कब कब पता हो, टेम्परेचर पता हो और वॉल्यूम पता हो. जब टेम्परेचर और वॉल्यूम हमें उस प्रोसेस का पता हो तो हम इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं. सो ये हमारा चेंज इन एंट्रोपी निकला. इन द सिमिलर फैशन हम क्या निकाल सकते हैं, किसका एक और इक्वेशन है, TdS is equal to dH minus VdP. तो dS is equal to कितना हो जाएगा, dH upon T minus VdP. और हम जानते हैं dH is equal to कितना हो जाएगा, CpdT. किसके लिए, for an ideal gas.
या आइडियल गैस के लिए एक और इक्वेशन है PV इक्वल टू RT, एक मिनट ये V अपॉन T होगा ना यहाँ पे, हाँ V अपॉन ये हो जाएगा V अपॉन T, therefore V अपॉन T will become R अपॉन V. So DS इक्वेशन कितना कन्वर्ट हो गया, DS will become CP dT upon T minus R upon P dP. So DS कितना हो जाएगा, CP dT over T minus R dP over P. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं प्रोसेस वन से टू, ये हो जाएगा एस वन से एस टू, ये कितना हो जाएगा टी वन से टी टू, ये हो जाएगा पी वन से पी टू, देयरफॉर ये हमें मिल जाएगा एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन P2 upon P1, P2 upon P1. So again ये मिल गया मुझे एक equation. कब, जब मुझे पता हो एक आइडल गैस का प्रोसेस वन से टू हो रहा है और मुझे टेम्परेचर और प्रेशर पता हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है चेंज इन एंट्रोपी अगर निकालना हो तो. तो ये दोनों जो है वो किसके लिए वैलिड है, ये दोनों है वैलिड फॉर आइडल गैस. इसके लिए आइडल गैस के केसेस में हम ये दोनों निकालेंगे, आइडल गैसेस के लिए वैलिड है. अब ये क्या पता है मुझे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर पता लगाऊं. अब अगर प्रेशर और वॉल्यूम पता हो तो क्या करेंगे, हम इसी को एक और इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी को सिंपली हम मॉडिफाई कर देंगे. देखिए इन दोनों टेम्परेचर को, इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन का नहीं, डिफरेंस लेने में तो कैंसिल हो जाएगा. कोई भी एक इक्वेशन को हम पकड़ के चलते हैं, हम इसको पकड़ के लेके चलते हैं. यहां से हम स्टार्ट करते हैं, कितना हमें पता है एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी वी एल एन T2 upon T1 plus R ln V2 upon V1 से ये हमको पता है. अब हमको किसका फॉर्म में टेम्परेचर को हटा करके किसमें ला देना है, वॉल्यूम में लाना है. Therefore it will become CV ln T2 upon T1 plus R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP माइनस CV ln V2 upon V1 ये हम लिख सकते हैं. Therefore ये कितना हो जाएगा CV, अगर इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, CV को जब कॉमन लेते हैं तो ln T2 upon T1 माइनस ln V2 upon वन ये मिल जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा सी पी एल एन वी टू अपॉन वी वन ये बच जाएगा. देयरफॉर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा टी टू अपॉन टी वन, इसको अगर हम उल्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई, या अगर मल्टीप्लाइड करते हैं इनटू ये वी वन अपॉन वी टू हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू हो जाएगा प्लस सी पी एल एन वी टू अपॉन वी वन. अब बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी वी एल एन हम इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए टी टू अपॉन, अगर हम ये लिखते हैं T2 upon V2 into V1
या इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टी वन अपॉन वी वन प्लस सी पी, ये कांस्टेंट सेम ही रह जा रहा है, वी टू अपॉन वी वन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? ये क्या है, टी टू अपॉन वी टू क्या हो जाएगा, पी टू हो जाएगा, और वन अपॉन एल एन अपॉन ए वन अपॉन टी वन अपॉन वी वन, ये क्या हो जाएगा, पी वन हो जाएगा, प्लस सी पी एल एन वी टू अपॉन वी वन आ गया। देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी जो हमें मिल गया, चेंज इन एंट्रोपी जो मिल गया मुझे, क्या मिल गया, देयरफॉर ये हमारा चेंज इन एंट्रोपी अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी वी एल एन पी टू अपॉन पी वन प्लस सी पी एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये हमें मिल गया। सो ये थर्ड हमारा आइडियल गैसेस के लिए मिला, चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ प्रोसेस व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन। सो प्लीज ये तीनों आपके लिप्स पे होना चाहिए, ये तीनों लिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इसके यूज करके पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका यूज करके पूछा जाता है व्हाट विल बी द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ प्रोसेस, में जनरली पूछते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ये भी आइडल गैस के लिए वैलिड है, प्लीज नोट इट डाउन। That is, हमने किसके लिए निकाल लिया, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस के लिए निकाल दिया। इन द सिमिलर फैशन हम लोग निकाल सकते हैं एंट्रोपी चेंज एट अ फिनाइट टेम्परेचर, एट ए फिनाइट बॉडी, मतलब अगर ये कोई बॉडी है, सपोज अगर हम इसमें, तब अब जब आपका एक फिनाइट बॉडी है, सपोज उसका मास मास एम है, स्पेसिफिक हीट सी है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टी आई है, और फाइनल टेम्परेचर से टी एफ है, तो उस केसेस में एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि डीएस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, और ये डी क्यू जो हो जाता है कितना होगा, एम सी डी डी, एम सी डी डी, एम सी डी डी, एम सी dt। therefore ये जो ds हो जाएगा वो कहां से कहां तक, s1 से s2 will become dq, को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mc dt upon t, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे t इनिशियल से t फाइनल तक। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा s2 minus s1 equal to मास स्पेसिफिक हीट एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। सो प्लीज रिमेम्बर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंट्रोपी चेंज
for a reservoir. Entropy change for a reservoir. हमने दो टाइप का रिजर्वायर पढ़ा था, कौन कौन सा? सबसे पहले हमने पढ़ा था सोर्स, सोर्स तो ये कितना हो जाएगा, सपोज ये सोर्स था T1 पे था, और दूसरा रिजर्वायर हमने पढ़ा था वो था सिंक, दूसरा रिजर्वायर है सिंक, उसका टेम्परेचर था T2। सोर्स का काम क्या है? हीट को देना, और सिंक का काम है हीट को रिसीव करना, क्यू को रिसीव करना। देयरफॉर हम एक पहले सिस्टम डिफाइन करते हैं, तो ये जो बाउंड्री होगा ये इसका बाउंड्री, ये बाउंड्री हो जाएगा, और इसके इसमें सिंक काम ने ये बाउंड्री हमने डिफाइन कर लिया। तो इस केसेस में अगर हम चेंज इन एंट्रोपी अगर हम निकालते हैं सोर्स का, तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि DQ/T माइनस हो रहा है, बाहर निकल रहा है, हम लोग क्या लेंगे इसको, माइनस माइनस, ये सोर्स के केसेस में Q1 रखते हैं और इसके केसेस में Q2, ये कितना हो जाएगा माइनस Q1/T1। और अगर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिंक ढूंढते हैं, डिटरमिन करते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस, चूंकि हीट ऐड हो रहा है, DQ=Q2/T, T=T2, सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिजर्वायर। प्लीज नोट इट डाउन। सर सोर्स का एंट्रोपी तो यहाँ भी घट ही रहा है ना? हाँ, सोर्स का एंट्रोपी घट रहा है, तो किसी प्रोसेस से अगर सोर्स से हीट अगर बाहर आ रहा है तो भी एक प्रोसेस ही हुआ। हाँ सर, उसमें तो कल ही पढ़े थे हम लोग कि एस यूनिवर्स शुड बी मतलब ग्रेटर देन जीरो किसी भी प्रोसेस के लिए। यूनिवर्स का होना चाहिए, क्या है ना कि देखो अगर तुम ये कहोगे इस केसेस में कि हाँ, इस केसेस में देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया है कि यूनिवर्स जो होगा ब्लैक नहीं करते हैं, कुछ और कर रख लेते हैं, अगर हम इसको ग्रीन से ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया, सपोज ये वाला इनवर्स हो गया, और इसमें ये जो छोटा सा पार्ट है वो सोर्स हुआ T1, तो इसका Q1 हुआ है, तो ये जो सराउंडिंग भी तो हुआ है, तो अब बताओ कि आप कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, सलू हाँ ठीक ये लेते हैं। तो सोर्स का जो हो रहा है, अगर हम यूनिवर्स का बात करते हैं, यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स का क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो देखो सिस्टम का तो घट रहा है, सिस्टम का घट रहा है, लेकिन सराउंडिंग का तो बढ़ रहा है ना, सराउंडिंग का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो सोर्स का घट रहा है तो सराउंडिंग का बढ़ रहा है, जब दोनों को समीशन करोगे तो क्या आ सकता है, अगर दोनों जीरो है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन लेकिन यहां पे एक एडिशनल हीट भी आ जाएगा, वो जनरेशन आ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबिलिटी है। तो फाइनली जो इनवर्स का ये है इंटरनल एनर्जी, वो सॉरी चेंज इन एंट्रोपी, वो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है। और एक प्रोसेस का, एक प्रोसेस, एक सिस्टम का एंट्रोपी में चेंज, में इंक्रीज, डिक्रीज और जीरो कब, जब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्या हो सकता है,
चेंज इन एंट्रोपी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव भी हो सकता है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो भी हो सकता है। ये उस रिवर्सिबल प्रोसेस का या सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग का तो बढ़ रहा है और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर इरिवर्सिबल हुआ तो एक एक्स्ट्रा जनरेशन मुझे मिल जाएगा, जो कि हर हाल में अगर यूनिवर्स का हम एंट्रोपी देखेंगे, यूनिवर्स का एंट्रोपी देखेंगे तो वो क्या होगा, हर हमेशा बढ़ाएगा ही, हर हमेशा बढ़ाएगा ही। समझ गए? Yes, नहीं कुछ क्लियर हुआ या नहीं? Awesome, नहीं हुआ अभी। चलो इसको हम नहीं, अगर इसको हम लिख लो उसके बाद करते। देखो इनवर्स का जो होगा ना सिस्टम प्लस सराउंडिंग का होगा। हमने बोला था आपने अभी जिसे स्टेटमेंट बनाया कि सिस्टम का नहीं इनवर्स का आपका एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, तो सिस्टम का यहाँ सोर्स का घट रहा है, लेकिन ये जो हीट एडेड जिस इस सराउंडिंग को हो रहा है उसका तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो ये जिस अमाउंट से घटा है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट से इसका एंट्रोपी बढ़ा है, तो नेट जो आ गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग का वो बढ़ा है, नेट जो चेंज आया है सिस्टम और सराउंडिंग का वो एंट्रोपी बढ़ा ही है। सो वो अगर दोनों इनवर्स की बात करते हैं तो वो हमेशा एंट्रोपी बढ़ते ही जाता है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। सो प्लीज नोट इट डाउन, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। सो अगर हम इस तरीके से अगर हमारा जो अभी तक हम देखते हैं तो अगर हम फिर से अगर रिकॉल करते हैं तो एंट्रोपी का हमने शुरू से लेकर लास्ट तक डिफिनीशन डिफरेंट प्रोसेस उस तरीके का हमने पढ़ा है, तो बताइए एंट्रोपी को समझने में अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछा जाए, अगर कुछ डाउट वगैरह है तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट एंट्रोपी को समझने में, जितना हमने समझाया है इसके अलावे अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो हम प्रॉब्लम या जब प्रॉब्लम आएगा तो डिस्कस करेंगे। जितना हमने समझाया है जितना हमने डिस्कस किया है उसको समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज टेल मी, हम उसे दोबारा करेंगे, नो प्रॉब्लम, जब तक आप समझ ना जाओ। एंट्रोपी थोड़ा सा है जो कंसेप्चुअल है, हालांकि जिस तरीके से अगर सिस्टमेटिक ढंग से हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, ज्यादा डिफिकल्टी हमने इंसर्ट नहीं किया था। सो आई होप कि आप लोगों को एंट्रोपी समझ में आ गया होगा।